हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GCM इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आज आपके लिए हम जो कोर्स लेके आए हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक सेक्शन रहता है। आपके किसी भी एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूं तो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी भी स्टेट लेवल की अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूं या सेंट्रल लेवल की, तो आज हम आपके लिए नया सेशन लेके आए हैं वोकैबुलरी पे, जिसका आज हम पार्ट वन कवर करेंगे। हर रोज़ कोशिश करेंगे कि 10 से 15 नई वर्ड सीखने की कोशिश करेंगे हर दिन, ठीक है फ्रेंड्स? जो हो सके कुछ वर्ड्स आप फैमिलियर हों और कुछ आपके लिए नई वर्ड्स हों, तो एक नोटबुक आप इसकी मेंटेन कर सकते हैं जिसमें आप वर्ड ए लिख सकते हैं, ठीक है? जैसे कि आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं, पहला वर्ड हमारे पास प्रिटेंस है। अब प्रिटेंस का मतलब होता था एक्ट ऑफ गिविंग ए फॉल्स अपीयरेंस, किसी को एक फॉल्स अपीयरेंस एक्ट करना, या मैं अगर बात करूं तो दिखावा करना, ठीक है? इसका सिनोनिम प्रिटेंडिंग फैमिलियर होंगे, मेक बिलीव, और इसका एंटोनियम अगर बात करूं रियलिटी एंड ऑनेस्टी, ठीक है फ्रेंड? प्रिटेंस का मैंने मतलब बताया कि दिखावा करना, द एक्ट ऑफ गिविंग ए फॉल्स अपीयरेंस, ओके? आप वीडियो पॉज करके ये राइट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक पे, या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक? तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पार्लेस। पार्लेस होता है डिस्कस एज बिटवीन एनिमीज, दो ग्रुप के बीच में जब डिस्कशन होती है तब हम पार्लेस वर्ड यूज़ करते हैं, बातचीत करना, ठीक है? सिनोनिम इसका डेलिब्रेशन होता है, अगेन इसका मतलब भी दो ग्रुप, डिफरेंट ग्रुप्स में बातचीत करके सॉर्ट आउट करनी चीज़ें। तो एंटोनियम इसका क्वाइट या साइलेंस। देन वी हैव नेक्स्ट वर्ड स्टॉल्ड। अब स्टॉल्ड का मतलब पोस्टपोन डूइंग वट वन शुड बी डूइंग कम टू स्टॉप। अगर मैं सिंपल कहूँ तो स्टॉल्ड का मतलब तो स्टॉप, रुक जाना। इसका एंटोनियम ऑब्स्ट्रक्ट एंड इम्पेड, दोनों का सेम मतलब कि रुक जाना या रोक देना। सिनोनियम इसका प्रोसीड, आगे बढ़ते चलना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास क्रिप्टिक, जिसका मतलब है हैविंग ए सीक्रेट और हिडन मीनिंग। क्रिप्टिक का मतलब गुप्त भी होता है, अगर मैं हिंदी में बात करूँ गुप्त। सिनोनियम इसका मिस्टीरियस, एनिगमेटिक, आपके लिए नया वर्ड हो सकता है, ये लिख सकते हैं आप, याद कर सकते हैं। और एंटोनियम इसका क्लियर, एकदम साफ तरीके से क्लियर करना चीज़ें। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इन्फ्यूजिंग, जिसका मतलब है फिल एज विद अ सर्टन क्वालिटी, फिल करना विद अ सर्टन क्वालिटी। नया वर्ड हो सकता है आपके लिए इम्प्रेगनेट, परमिएट। देन इसका एंटोनियम डिप्राइव, डाइवर्स्ट। अब डिप्राइव और डाइवर्स्ट का मतलब होता है टेक अवे, इसका एंटोनियम होगा। एल्यूर है अगला वर्ड हमारे पास, जिसका मतलब है पावरफुली अट्रैक्ट और चार्म टू डू समथिंग, किसी चीज़ के लिए अट्रैक्ट होना, किसी चीज़ के लिए को करने के लिए अट्रैक्ट होना, पावरफुली अट्रैक्ट होना किसी की तरफ। सिनोनियम इसका एल्यूरमेंट होता। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कोट्री, नया वर्ड हो सकता है आपके लिए। सर्कल ऑफ पीपल विद अ कॉमन पर्पस, एक ग्रुप हम कह सकते हैं डिफरेंट पीपल का जिनका एक सेम पर्पस होता। सिनोनियम क्लीक, सेट, सर्कल, क्लीक आपके लिए नया वर्ड हो सकता है। एंटोनियम इसका इंडिविजुअल, अकेला। सैबोटेज का मतलब है डैमेज डेलिब्रेटली, किसी को नुकसान पहुंचाना डेलिब्रेटली। सिनोनियम इसका रैक होता है, जिसका मतलब अगेन डैमेज होता है। एंटोनियम इसका कंजर्वेशन या प्रिजर्व करना, प्रिजर्वेशन भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड फ्लॉड, जिसका मतलब है कैरेक्टराइज्ड बाय अ फंडामेंटल वीकनेस ऑफ इम्परफेक्शन। आप फैमिलियर होंगे इस वर्ड से, और सिनोनियम इसका डिफेक्टिव होता। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास प्रोटेगोनिस्ट, नया वर्ड हो सकता है द लीडिंग कैरेक्टर। सिनोनियम इसका सपोर्टर एंड एंटोनियम ओपोनेंट। नेक्स्ट है हमारे पास कल्मिनेशन, जिसका मतलब होता है द हाईएस्ट और क्लाइमेटिक पॉइंट ऑफ समथिंग, किसी के समापन हम कह सकते हैं कल्मिनेशन का मतलब। सिनोनियम इसका क्लाइमेक्स एंड पिनेकल, आपके लिए नया वर्ड हो सकता है फ्रेंड्स। एंटोनियम नादिर भी एक आपके लिए नया वर्ड हो सकता है। तो ये सारे वर्ड्स जो आप आज सीखेंगे अपनी नोटबुक में मेंटेन कीजिए, राइट डाउन कीजिए, इन्हें हर दिन रिवाइज करते रहिए ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारे पास इंडिक्टमेंट। इंडिक्टमेंट का मतलब होता है एन एक्यूसेशन ऑफ रॉन्ग डूइंग, एक्यूज होना किसी गलत चीज़ के लिए,
सिनोनियम चार्ज एक्यूजेशन एक्विटल एंड इनोसेंट इसके एंटोनियम है, मतलब बेकसूर अगर मैं बात करूँ तो इसके एंटोनियम है। वैंड का मतलब बिकम स्मॉलर, एंटोनियम डिक्लाइन और डिक्रीज, सिनोनियम डिक्लाइन और डिक्रीज, एंटोनियम इंक्रीज या ग्रो। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स हमारे पास प्लम्मेट। प्लम्मेट का मतलब होता है ड्रॉप शार्पली, हमें किसी चीज़ की बात करूँ गिरावट आना, ठीक है। सिनोनियम इसका प्लम्प होता है, एंटोनियम राइज है, एसेंट होता है, ठीक है। एसेंट का मतलब होता है आगे फॉरवर्ड चलना, फॉरवर्ड, ठीक है। तो लास्ट वर्ड है आज के लिए हमारा ब्लोवियट। फ्रेंड ब्लोवियट का मतलब टू स्पीक वर्बसली एंड विंडमिल होता है। अगर मैं बात करूँ चीखना, चीखने को हम ब्लोवियट बोलते हैं, जोर जोर से बोलता है तो उसे ब्लोवियट बोलते हैं। सिनोनियम इसका एलिविएट, ब्लोटेड, शाउट, ब्लॉकेट, नहीं वर्ड हो सकता है आपके लिए। तो एंटोनियम इसका बी क्वाइट। तो फ्रेंड्स आज हमने 15 वर्ड्स नए सीखने की कोशिश की है, ठीक है। तो इसे आप अपनी नोटबुक पर ज़रूर मेंटेन कीजिएगा। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे डिफरेंट कोर्सेज चले आ रहे हैं GCM इंस्टीट्यूट हमारा यूट्यूब चैनल पे, तो आप प्लेलिस्ट गो थ्रू कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।